बहुत सारे लोगों का टेलीफोन आया कि बुद्ध और मुसलमान के ऊपर आप एक वीडियो बनाए, जानकारी दें। मैं इसे बचना चाह रहा था क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, मगर फिर भी जब ज़्यादा ही अर्ज किया गया, ज़्यादा ही आया, तो मुझे इस जानकारी में बनाना पड़ा। बुद्ध के समय में मुसलमान शब्द ही नहीं था। बेसिकली बुद्ध का जो साहित्य या बुद्ध जो थे वो 2660 साल पुराने थे। बुद्ध का अगर हम पूरा साहित्य उठाते हैं तो उसमें सिंगल भी उर्दू का या अरबी का शब्द नहीं है, ना ही उसमें मुसलमान का जिक्र है, ना ही उसमें इस्लाम का जिक्र है, ना ही उसमें ईसा का जिक्र है, ना ही उसमें क्रिश्चियनिटी का जिक्र है, क्योंकि ये भी लगभग 2000 साल पहले आए हैं। ना ही उसमें सिखिज्म का है, ना ही उसमें किसी और मजहब का है। हाँ, जैनिज्म का जिक्र ज़रूर है क्योंकि महावीर जैन उनसे पहले थे, इसलिए इंग्लिश का और उर्दू का कोई भी शब्द उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर ना भारत का जिक्र है, ना ही हिंदुस्तान का जिक्र है, यानी ये दोनों शब्द भी नहीं है। इसके अंदर पूरे साहित्य में ना हिंदू का शब्द है, ना मुसलमान का है, ना इसमें ईसाई का है, क्योंकि हिंदू शब्द भी बहुत बाद का शब्द रहा होगा, इसलिए इसमें नहीं आता है। इसमें क्षत्रिय शब्द भी नहीं है, इसके अंदर वैश्य शब्द भी नहीं है, इसके अंदर जो वमण है यानी जिसको ब्राह्मण है वो शब्द वमण करके है और समण करके है। ये जो शब्द बने हैं ये वर्ण से बने हैं। वर्ण का मतलब रंग होता है पाली के अंदर, और अवर्ण का मतलब होता है जिसमें रंग ना हो, यानी दो लोगों का भेद है इसमें, वर्ण और अवर्ण। वर्ण वो लोग हैं जिनमें रंग है, जो भारत के लोग हैं, और अवर्ण का मतलब है जिनमें रंग नहीं है, जिनकी रंग सफ़ेद है, जिनकी खाल सफ़ेद है, जिनकी स्किन सफ़ेद है, उनको अवर्ण कहा है। इसी वर्ण को बाद में सुवर्ण भी कहा है। सुवर्ण का मतलब है जिसका रंग गेहूं जैसा है, जिसका रंग जो सूरज का शाम का समय होता है सुनहरा जैसा, वैसा रंग है, उसको सुवर्ण बोला है, जो भारत के लोग रहे, या काले भी बोल सकते हैं, सांवला भी बोल सकते हैं, गेहूं जैसा भी। और अवर्ण का मतलब है जिसका रंग सफ़ेद है, जिसमें कोई रंग नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, जो बाहर से भारत में आए उनको अवर्ण है। इसी को वहाँ समण और वमण कहा गया है। समण का मतलब है सह वर्ण माने सह रंग वाले, यानी रंग के सहित वाले, जिनका रंग है। और वमण का मतलब है जिनका रंग नहीं है, जो बिना रंग वाले लोग हैं। यहाँ पूरी पाली संस्कृति में सिर्फ समण और वमण का जिक्र है, बाहर से आए हुए लोगों का और भारत के काले लोगों का। इसलिए मुसलमान और बुद्ध का जो तालमेल है वो बड़ा अजीब है, क्योंकि भारत के लोग ईरान से लेकर बर्मा तक सारे के सारे ही बुद्ध की फिलॉसफी में बुद्ध के समय के बाद से जाने जाते हैं, और बुद्ध के समय से पहले उनका कोई भी धर्म या मजहब किसी डिक्लेरेशन में नहीं आता, किसी साहित्य में कहीं इंगित ही नहीं है, कहीं ऐसा है। खासतौर से पाली साहित्य में उनको सिर्फ समण और वमण करके बोला गया है, तो इसलिए वहाँ कोई शब्द ऐसा मिलता नहीं है। बाद में जैसे जैसे लोग भारत में आते गए, वैसे वैसे ये शब्द बनते चले गए और बाद के साहित्य में जुड़ते चले गए। ये बिल्कुल क्लियर है। भारत में जो मुसलमान हैं वो अधिकतर भारत के लोग हैं, भारत में जो ईसाई हैं वो अधिकतर भारत के लोग हैं, भारत में जो सिख हैं वो अधिकतर भारत के लोग हैं, भारत में जो कन्वर्जन हुआ है या जो कहीं से कोई धर्म आया है या धर्म आया है या रिलीजन आया है, तो भारत के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट करने से वो भारतीय लोग उसमें चले गए। अगर आप बात करेंगे 1400 साल पुरानी, तो आपको दुनिया में इस्लाम मिलेगा, मगर 1400 साल पहले से अगर आप जाएंगे तो 1400 से लेके और 2000 के बीच में आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, और अगर उससे पहले जाएंगे तो भारत में आपको सारे के सारे बुद्धिस्ट मिलेंगे, यानी बुद्ध की फिलॉसफी चलने वाले या जैन की फिलॉसफी पर चलने वाले लोग मिलेंगे, ये हैं। और अगर बुद्ध और जैन से भी पहले जाएंगे तो उस समय के कोई नाम नहीं है, क्योंकि उस समय से इतिहास आरंभ नहीं होता। इतिहास जो आरंभ होता है वो बुद्ध और जैन के बाद से आरंभ होता है, जो कि प्रमाणिक है और जो जिसके सबूत सारे मिलते हैं। इसलिए भारत के अधिकतर मुसलमान जो भी हैं उनको कह सकते हैं कि वो मुसलमान कन्वर्टेड हैं, बने हैं। जो लोग ईरान से या जो लोग सऊदी अरब से आए हैं वो लोग भी भारत में रहते हैं, वो थोड़े से लोग हैं जो अलग हैं, उनकी पहचान अलग हो जाती है। बाकी सबका वेशभूषा, रंग, खाना पीना या उनका जितना भी जीवन है, कल्चर है, वो यहाँ के और बाकी लोगों से मैच करता है, मिलता है। इसलिए बुद्ध के अंदर, क्योंकि बुद्ध का खुद का कोई धर्म है नहीं, बुद्ध का कोई रिलीजन है नहीं, बुद्ध का कोई भी दुनिया के अंदर रिलीजन नहीं है, वो सिर्फ एक पद्धति के नाम से जाना जाता है, और उन लोगों को धम्मिक बोलते हैं, और वहाँ गॉड भी नहीं है। बाकी जगह सारा गॉड इस्तेमाल होता है। ईसाइयों के पास भी गॉड है, जो मुस्लिम है उनके पास भी गॉड है, जो यहूदी है उनके पास भी गॉड है, मगर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके पास कोई गॉड नहीं है, उनके पास सिर्फ ह्यूमन है और ह्यूमनिटी है, मानव है, मनुष्यता है। इसलिए सारे लोग, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग कभी दावा नहीं करते, मगर अगर वो दावा करें तो ईरान से लेकर बर्मा तक सारे लोग बुद्ध की फिलॉसफी को पहले से मानने वाले लोग रहे हैं, मानवता को मानने वाले लोग रहे हैं। जब ये कल्चर यहाँ से लुप्त हो गया या लुप्त कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया,
उन लोगों ने जिनको इससे नुकसान होता था, तो लोगों को जो पद्धति मिली, जो जानकारी मिली, जो रिलीजन मिला, वो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। जिसमें भाईचारा, जिसमें प्यार लगा, वो उन्होंने मान लिया। इसलिए बुद्धिस्ट लोग, धार्मिक लोग कभी भी धर्म के झगड़े में या रिलीजन के झगड़े में नहीं पड़ते हैं और ना ही उनका कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि उनके लिए सारी दुनिया के मनुष्य बराबर हैं। एक बात यहाँ स्पष्ट है कि भारत में बुद्ध का और जैन का उद्गम हुआ है, इसलिए दुनिया के सारे बुद्धिस्ट जितने भी हैं वो यहाँ के उद्गम से चलते हैं। भारत में रहने वाले जो आज की डेट में ट्रेडिशनल या जो लोग जान चुके हैं कि धम्म यहीं का है और वो धम्मिक लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, वो श्रमण लोग हैं। उनको किसी भी सर्टिफिकेट की या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। जो लोग इस कल्चर को नहीं मानते, उन लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत होगी उनके लिए, जो मांग रहे हैं। बुद्धिस्ट लोग कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगते। धन्यवाद।